हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जियो मीट ऐप के बारे में, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो कि जियो की तरफ से लॉन्च की गई है ऑफिशियली। जो पहले जियो वीडियो कॉल करके नाम से आती थी, अब उसको अपडेट कर दिया गया है जियो मीट के नाम से। एंड देन ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, कहा सकता है कि इंडिया की सेफ्टी ऐप है, जो कि एक अल्टरनेटिव है जूम ऐप का, जो कि चाइनीज ऐप थी। तो ये बिल्कुल उस जूम की तरह ही है। इसका पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा दिखने का लेआउट पूरा जूम की तरह है। इसमें भी आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप इसमें आईडी बना पाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे एंड कैसे ज्वाइन कर पाएंगे मीटिंग को, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कर लेना है जियो मीट ऐप को, जियो मीट ऐप को डाउनलोड, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा प्ले स्टोर पे एंड आईओएस स्टोर पे, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं। नॉर्मली जैसे ही आप जियो मीट लिखेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिससे आपको पता लगता रहेगा। एंड देन उसके बाद कर लेना है उसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप या साइन इन का ऑप्शन आएगा, या डायरेक्ट आप बिना उसके ज्वाइन भी कर सकते हैं मीटिंग को। तो लाइक पहले तो आप साइन अप करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्टली ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम डालना होगा, जो कि मैं कर चुका हूं। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। मैं लॉगिन कर देता हूं, एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें ज्वाइन मीटिंग का एंड क्रिएट मीटिंग का ऑप्शन आएगा एंड शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। इसमें दो चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जिससे आप इजिली इसको ये अब साइन इन हो चुका है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं इसका एक लेआउट ऐसा मिल रहा है। इसमें फर्स्टली जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दिखा है न्यू मीटिंग के लिए एंड देन ज्वाइन के लिए एंड देन शेड्यूल के लिए एंड देन स्क्रीन शेयर करने के लिए एंड दिस नीचे कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट, जो भी आप कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी दिख जाएगा आपको। और नीचे जो लेआउट दिख रहा है मीटिंग का लेआउट, ये आपके मीटिंग का कोड है। जैसे मेरी ये मोबाइल का मीटिंग कोड ये है, आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। इसमें कांटेक्ट आपके जो जो यूज करने वाले होंगे वो दिख जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे, ये मेरा नाम दिख गया है। यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, लोकेशन एंड देन प्रोफाइल पिक भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो नॉर्मली ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है। अब कर लेते हैं मीटिंग को कनेक्ट। अब लाइक मैंने यहां से एक मीटिंग को कर दिया क्रिएट, न्यू मीटिंग पे मैंने यहां से कर दिया ओके एंड देन ये पूछ रहा है आपके पर्सनल आईडी एंड स्टार्ट मीटिंग कर दिया, वीडियो ऑन कर दी। मीटिंग करने के बाद मुझे अब यहां से करना है इसको साइन इन। साइन इन करने के बाद मेरे को करना है मीटिंग को शेयर। शेयर करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है नीचे शेयर एंड देन ये शेयर करने के लिए मुझे यहां से करना होगा इनवाइट। इनवाइट करने के लिए आप तो चाहे किससे भी इनवाइट कर सकते हैं, लाइक मैं व्हाट्सएप से इनवाइट कर देता हूं। इनवाइट करने के लिए मैंने कर दिया इनवाइट। इनवाइट करते ही अभी मैसेज आ चुका है मेरे दूसरे नंबर पे। इनवाइट करने के बाद मुझे करना क्या है, उस नंबर पे जाके मुझे करना है ज्वाइन। उसको मैसेज को जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वहां पर ले जाएगा। तो मैं मोबाइल की भी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो दोनों आपको सिस्टम दिख जाएंगे, एक लेफ्ट दोनों तरफ से दिख जाएंगे जहां पर क्रिएट हो रहा है जेन। तो मैं चलता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद मैंने करता हूँ लिंक को क्लिक एंड देन मैंने यहाँ कर दिया लिंक पे क्लिक। और आप चाहे तो डायरेक्ट ही मीटिंग आईडी नीचे दी हुई है एंड देन पासवर्ड दी हुआ है, डायरेक्ट वहां से भी कनेक्ट कर सकते थे। तो नॉर्मली मैंने पहले कर लेता हूँ लिंक से थ्रू क्रिएट कनेक्टेड। तो यहाँ पर नाम दिख जाएगा जो कनेक्ट होगा नीचे। तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो उससे अच्छा था ये आप कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप क्रोम में खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी वेबसाइट पे ले जाएगा, और अगर आप नॉर्मल ब्राउजर पे खोलेंगे तो वो आपको पहले डाउनलोड करने का लिंक दे देगा। लाइक मैं इस पर क्रोम पे खोल के लिंक कॉपी करके बता देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है लिंक को कॉपी, सॉरी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद कर देना है गो। गो करने के बाद ये ऑटोमेटिक जियो मीट ऐप को खोल लेगा। नहीं खुल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जो लिंक आया होगा आपको कुछ नहीं करना है, उसका ये करना है कॉपी, मीटिंग आईडी करने का कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जाना है जूम ऐप पे।
सॉरी जियो मीट ऐप पे, जियो मीट ऐप पे जाना है। मीट ऐप पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है ज्वाइन पे। ज्वाइन पे जाने के बाद जो मीटिंग आईडी आपने अभी कॉपी करी है उसको कर लेना है यहाँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर वापस आपको वहां जाना है, वहां पासवर्ड भी लिखा है तो वही का वही पासवर्ड करना है अपन को कॉपी। तो ये पासवर्ड इतना कॉपी होगा नहीं तो इसको कर लेते हैं टाइप 4HA। एप्स में तो ये सब चीजें आपको कर लेनी है कॉपी एंड इसको कर लेना है एंटर। एंटर करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि आप वीडियो कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑडियो कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं या वीडियो को बंद करना चाहते हैं। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पर ऑडियो को बंद कर दिया है एंड देन कर लेता हूँ ज्वाइंट मीटिंग। अब जैसे ही ज्वाइंट मीटिंग करूंगा पासवर्ड मुझसे फिर पूछ रहा है तो यहाँ फिर डाल देते हैं 4HNXXNA कर देता हूँ एंटर। ये आपसे परमिशन मांगेगा एंड देन कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कनेक्ट हो गई ये वीडियो कॉल। अब ये यहाँ से वीडियो कॉल करना स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो कॉल चल रही है आप देख रहे हैं दोनों में। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ उसको म्यूट तो ये चल रहा है आप देख रहे हैं दोनों में। या पार्टिसिपेट पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन कौन ज्वाइन है एंड कौन कौन चला रहा है। तो ये सब चीजें आपको दिख रही है, एंटर योर नेम था। देन अब मुझे स्क्रीन शेयर करना है तो लाइक मैं यहाँ पर जाऊंगा शेयर पे एंड कर दूंगा स्टार्ट। तो यह अब मेरी स्क्रीन भी शेयर होना चालू हो गई है, साथ में मेरा कैमरा भी वर्क कर रहा है। अब मैं जो भी दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इजीली दिखा सकता हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। एंड देन आप यहाँ पर मोर पे जाएंगे, मोर पे मीटिंग सेटिंग कर सकते हैं, हाइड सेल्फ व्यू कर सकते हैं, चैटिंग करना चाहें तो यहाँ से चैटिंग भी कर सकते हैं एंड देन। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे जो लगा, यहाँ से स्टॉप भी करना चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं। और जो जिसमें ज्वाइन करा है वहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, खाली बस व्यू कर सकते हैं एंड देन चैट कर सकते हैं। चैट कर सकते हैं हाय जैसे लिखेंगे तो यहाँ मैसेज आ जाएगा मेरे पास, ये मैसेज पे हाईलाइट हो गया, ये देखिए हाय आ चुका है यहाँ पर। तो ये ऐसे वर्क करता है जियोमेट। आप इसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे ये बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आपको यहां से करना है लीव एंड मीटिंग एंड ओके कर देना है एंड देन ओके। ये जियो मी आप देख रहे हैं शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ शेड्यूल पे जाएंगे। शेड्यूल पे जाने के बाद आपको यहाँ डेट दिख रही है, टाइम दिख रही है, ये जो डेट टाइम एंड कितने मिनट तक चलेगा एंड देन रिपीट हॉट वीडियो ऑन पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन जो भी इसमें लिखा है आपको उस हिसाब से उसको कर लेना है डन। क्रिएट करने के बाद कर लेना है डन। जैसे ही डन करेंगे मीटिंग का शेड्यूल चालू हो जाएगा एंड देन आप उसका लिंक अभी शेयर कर पाएंगे एंड देन कोई भी इसको ज्वाइन कर पाएगा इजीली। तो नॉर्मली ये काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जियो मीट ऐप कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।